वही कि आज जितने भी नेता हैं वो सारे लोग बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन इसका कोई विरोध खुल के नहीं करता है। मंचों से या छोटे मोटे बात विवादों से हो जाता है। आप कोई राजनीति से नहीं है, आप किसी पार्टी विशेष से नहीं है, लेकिन आप ईवीएम को बहुत ज्यादा सड़कों पे लाने की बात करते हैं, आप ईवीएम को रोडों पे लाने की बात करते हैं, आप ईवीएम को हटाने की बात करते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या है ईवीएम में जो हटना चाहिए? हाँ, बड़ा लॉजिकल सवाल आपने किया और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। सामाजिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से जो आंदोलन हमने किए हैं उसमें ईवीएम के ऊपर हमने काफी काम किया। जी अच्छा, ईवीएम के ऊपर रिसर्च किया है तभी हम दो बातें कह पाते हैं। पहले ये समझना होगा ईवीएम होता क्या है। ईवीएम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे बैलेट यूनिट कहते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट। जो बैलेट यूनिट है, जो ईवीएम है उस पर आप जाके बटन दबाते हो, लेकिन जो कंट्रोल यूनिट होता है वो आपके पास नहीं होता। वो कंट्रोल यूनिट उस व्यक्ति के पास रखा होता है जो व्यक्ति चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी है। वो वहां से बटन दबाता है तब कहीं जाकर आपको ईवीएम पे बटन दबाने का मौका मिलता है और आपकी वोट होती है। तो मैं अब ये तो अंडरस्टैंडिंग है ईवीएम एक्चुअली है क्या। हुआ क्या, 1989 में पहली बार भारत में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और ये कहकर के इस्तेमाल किया गया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वजह से बूथ कैप्चर हो जाते हैं, लोग जो है अपनी मर्जी से ठप्पे लगाने लगते हैं, गुंडागर्दी हो जाती है। अच्छा, बूथ कैप्चर हो अगर सरकार ये कह रही है बूथ कैप्चर हो जाते हैं, गुंडागर्दी हो जाती है, तो इससे ये बात समझ में आ रहा है कि सरकार ये कह रही है कि हमारे बस की सुरक्षा व्यवस्था करनी नहीं है। यही तो मतलब हुआ, मतलब आपके बूथ कैप्चर हो जाता है मतलब आपके बस की सुरक्षा देनी नहीं है, इस वजह से बूथ कैप्चर हो। चलो, बूथ कैप्चर को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की सरकार ने 1989 में ईवीएम को लगा दिया। 10 साल जो है 10 साल कांग्रेस ने राज किया, फिर 5 साल जो है ये बीजेपी के भी हो रहे हैं। यह एक सवाल आ रहा है मेरे मन में, आपने बटन दबाया जाकर के, जैसे ही बटन दबाया तो एक लाल रंग की बत्ती जली और एक सीटी बजी, तो ये बताएं हो गया वोट। आपने जब वोट दे दिया तो ये बताइए जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को वोट आपने दिया वो वोट उसी पार्टी को और उसी उम्मीदवार को मिला, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? ये सवाल अपने आपसे पूछना, कोई प्रमाण नहीं हुआ। लेकिन आपके समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वो इस बात को समझ गए, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मुकदमा डाल दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया तो सुप्रीम कोर्ट में बात समझ में आई कि हाँ यार, बटन तो दबा दिया लेकिन बटन दबाने का मतलब ये नहीं है कि वोट वहीं गई है जहां जानी चाहिए। तो उन्होंने चुनाव आयोग को तलब कर लिया। अब जब चुनाव आयोग को तलब कर लिया तो चुनाव आयोग के लोगों से पूछा, हाँ भाई ये बताओ बटन दबा दिया वोट कहां गई, इसका प्रमाण कहां है? अब चुनाव आयोग बगले झांकने लगा, चुनाव आयोग की बुद्धि घूम गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या चुनाव आयोग वास्तव में इतना भोला था कि उसे यही नहीं पता कि बटन दबाने के बाद कोई प्रमाण नहीं मिल रहा? नो, दीज पीपल वर नॉट फूल, दीज पीपल वर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, दीज पीपल वर स्मार्ट। ये चाहते थे कि किसी भी सूरत में हम देश के ऊपर अपना आधिपत्य कायम रखें, ये चाहते थे कि देश में हम अपनी सरकार बनाएं, निर्धारित लोगों को अपने अंडर रखें। इस वजह से इन लोगों ने ईवीएम को लेकर के आए। चलो भैया, बात तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा समाधान बताओ। समाधान के रूप में ये चुनाव आयोग जानते हो क्या लेकर गया, इसने कहा कि ये काम करते हैं इस मशीन के साथ एक और मशीन लगाते हैं, उस मशीन का नाम रखा वीवीपीएटी, वीवीपैट, वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रे या ट्रायल। अब ये क्या मशीन हुई? अब ये एक ऐसी मशीन है जो ईवीएम के साथ अटैच कर दी जाएगी। ईवीएम के साथ जब ये मशीन लगेगी तो जैसे ही बटन दबाओगे तो 6 इंच की पर्ची छपके निकलेगी। किस में से निकलेगी? वीवीपैट में से निकलेगी। अच्छा, वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। क्या क्या दिखाई देगा? उस पर छपा होगा कि वोट कहां गई, उम्मीदवार कौन था, चुनाव चिन्ह क्या था। अब आपको पता लग गया कि वोट कहां गई, अब वो टूट कर पर्ची नीचे लगे हुए डब्बे में अपने आप गिर जाएगी। सबने कहा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। और 8 अक्टूबर
2013 में आदेश आ गए। किसके आदेश आए? सुप्रीम कोर्ट के। क्या आदेश आए? कि पूरे भारत में वीवीपैट लगा करके 2014 का चुनाव करवाया जाए। आदेश आ गए, आदेश सुप्रीम सर्वोच्च अदालत का आदेश है भाई। लेकिन सर्वोच्च अदालत के आदेशों की अवहेलना करते हुए चुनाव आयोग ने पूरे भारत में वीवीपैट लगाने के बजाय आसाम में जाकर के दो चार जगह पर वीवीपैट लगाया, पूरे देश में कहीं वीवीपैट नहीं लगा। मेरा सवाल आपसे यह है, अगर आपका कोई मुकदमा जिला सत्र न्यायालय में चल रहा हो और न्यायालय ने आपको कोई आदेश दिया हो और आपने उन आदेशों का पालन ना किया हो तो क्या होगा? आपके खिलाफ सम्मन जारी हो जाएंगे, वारंट जारी हो जाएंगे, आपको उठा करके थाने में लिया जाएगा, फिर आपका चालान कर दिया जाएगा, फिर आपको जेल होगी और आपके ऊपर जुर्माना भी होगा। कब होगा? तो जिला सत्र न्यायालय का। भारत की सबसे बड़ी अदालत ने आदेश दिया था चुनाव आयोग को कि वीवीपैट लगाओ और वीवीपैट नहीं लगा, चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी महाअभियोग नहीं चला, चुनाव आयोग के खिलाफ कोई सम्मन जारी नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कुत्ते को देखकर बिल्ली ना डरे और बिल्ली को देखकर कुत्ता ना भौंके तो समझ लो कुत्ते और बिल्ली की आपस में सेटिंग हो गई है। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि बीजेपी जीतकर आ गई। यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण डेटा मैं देना चाहूंगा जो मैं लिखकर के लाया हूं बाकायदा। मैं आपको बताना चाहूंगा जो 2014 के जो चुनाव थे वो चुनाव भाई साहब जब हुए कुछ 7 अप्रैल 2014 को चुनाव शुरू हुए थे और चुनाव खत्म हुए थे 12 मई 2014 को। ध्यान से सुनना, बात बड़ी गंभीर है। 7 अप्रैल 2014 में चुनाव शुरू हुए, 12 मई को चुनाव खत्म हो गए, मतलब रिजल्ट विजल्ट सब आ गया, बीजेपी सरकार बना रही थी, जीत चुकी थी बीजेपी। मई के बाद आता जून, जून के आते ही चुनाव आयोग ने 9 लाख ईवीएम मशीन को यह कहकर डिस्ट्रॉय कर दिया कि ये सारी मशीनें आउट ऑफ ऑर्डर हैं, ये खराब मशीनें हैं, नेग्लेक्टेड मशीनें हैं। एक महीने बाद एक कैलकुलेटर खरीद लूं यार, एक कैलकुलेटर भी कई महीने चल जाता है, ये तो मशीनें थी, ऐसे कैसे? और अगर ये आपको करना था तो ये चुनाव से पहले कर लेते, चुनाव के बाद क्यों करा? कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई थी वो जो सबूत थे उन सबूतों को नष्ट करना अति आवश्यक था। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम में ही गड़बड़ी है, मैं कह रहा हूं पूरा सिस्टम गड़बड़ है गुरु। अभी तो मैं ईवीएम की गड़बड़ी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ईवीएम में तो हजार लूपोल है जो मैं बताऊंगा, अभी तो मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सारा सिस्टम चरमरा, सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। तो मेरा तो अंत में ये निवेदन है कि यार ये वीवीपैट बंद होना चाहिए, ईवीएम बंद होना चाहिए। ईवीएम अगर बंद नहीं होगा तो यकीन जानिए ऐसा भी हो सकता है गठबंधन भी हारे और कांग्रेस भी हारे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। आपने बिल्कुल एकदम से नई इस पे दृष्टि डाल दी है कि ईवीएम की वजह से अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो गठबंधन सब कुछ हार सकते हैं अगर ईवीएम से होते हैं। एक बात बताइए सतीश जी, आज सब देश ही नहीं विदेश भी बोल रहा है कि ईवीएम खराब है, लेकिन फिर भी कई लोग इस बात को नहीं मानने को तैयार हैं कि ईवीएम में फॉल्ट है, तो इसका क्या विशेष कारण है? उसका विशेष कारण यही है कि जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं विशेष रूप से कांग्रेस, वो उसका विरोध ही नहीं कर रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस ही है, तो क्यों नहीं विरोध कर रही है भाई? रफाल का मुद्दा उठाया, संसद तक नहीं चलने दी है ना, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी, ध्यान से सुनना बात थोड़ी सी टेक्निकल है, समझना थोड़ी बात, वो जो वीवीपैट में पर्ची छपके निकलती है उस पर्ची फिजिकल हो गया, जो फिजिकल वोट है और जो डिजिटल वोट है उन दोनों का क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया जा सकता? वो क्रॉस वेरिफिकेशन हो, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए गुजरात के चुनावों के बाद हाई कोर्ट में अपील करी थी गुजरात के, जिसने साफ मना कर दिया कि क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होगा। क्रॉस वेरिफिकेशन होना इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी
इस मुद्दे को संसद में नहीं उठाया कि जो वीवीपैट की जो पर्ची है उसे भी तो गिनो यार, उसकी भी तो रिकाउंटिंग होनी चाहिए। रिकाउंटिंग होगी तो पता चल जाएगा ना फिर डिजिटल वोट कितनी है और फिजिकल वोट कितनी है। राहुल गांधी ने एक बार भी इस बात को संसद में नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? कौन कहता है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर्दे के पीछे एक दूसरे से मिले हुए नहीं है? कौन कहता है? हो सकता है ये लोग आपस में मिले हुए हों और ये जो है किसी भी सूरत में इस मुद्दे को आगे लेकर के आना ही नहीं चाहते। अब आप देखो, जब मैं ईवीएम की बात करता हूं लोग मुझसे कहने लगते हैं, सतीश भाई क्या बात कर रहे हो, तीन राज्यों में तो जो है कांग्रेस जीत करके आई है, अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो जो है बीजेपी को जीतना था। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, चुनाव को जीतने के लिए केवल 2-3% वोटों को इधर उधर कर दो, पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, समझ गए? तो आप लोगों का ध्यान ईवीएम और वीवीपैट के गड़बड़ी पर ना जाए, इसलिए ये राजनीति की रणनीति का हिस्सा है कि 2 कदम पीछे जाओ 6 कदम आगे आ जाओ। तो ये जो चुनाव जीते हैं ये जीते नहीं है, ये जिताए गए हैं। अदरवाइज देख लो ना तुम मध्य प्रदेश में कितनी सीटें का फर्क है, या फिर राजस्थान में देख लो कितनी सीटों का फर्क है, कोई बहुत बड़ा फर्क है नहीं। ये जीते नहीं गए, ये जिताए गए हैं। और आप देख लीजिएगा ईवीएम के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वापस बीजेपी लौट कर आने वाली है।